नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पेमेंट प्रूफ की बात करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि 4 तारीख का जो ग्लो रोड का पेमेंट था वो 5 तारीख को आया, तो लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए कि रोहित भाई यार अब तो आप हर हफ्ते पेमेंट प्रूफ दिखाने लगे हो, तो ग्लो रोड का पेमेंट प्रूफ दिखाइए। तो सबसे पहले आज ये वीडियो इसलिए आ रही है क्योंकि 4 तारीख को ग्लो रोड का पेमेंट मेरा नहीं आया, वो 5 तारीख को ट्रांसफ़र हुआ। तो ग्लो रोड का कितना पेमेंट आया है उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद रीसेलिंग और अर्निंग एप्लीकेशन है मैंने सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपकी कितनी अर्निंग हो रही है कौन से एप्लीकेशन से वो आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं। तो दोस्तों हमारी जो अर्निंग हुई है वो भी मैं बताऊंगा और कुछ अपनी ट्रिक्स बताऊंगा कि हाँ भाई क्या चीज़ें मैं ऐसी फॉलो कर रहा हूँ जिनकी वजह से मेरे को इतने अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, या क्या अच्छे रीसेलर की खासियत हैं जो कि मेरे अंदर आ चुकी हैं और मैं इतनी अच्छी अर्निंग कर पा रहा हूँ। मेरी ग्लो रोड की अर्निंग वैसे तो साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल के भी बताता हूँ, मेरी अर्निंग हुई है 6,160 रुपये जो कि इस हफ्ते मेरे को मिले है पेमेंट। हर हफ्ते पेमेंट मिलता है, आपको पता है ग्लो रोड का जो पेमेंट सिस्टम होता है वो आपको मिलता है 4 तारीख को, 14 तारीख को और 24 तारीख को। एक महीने में 3 बार ये पेमेंट करते हैं और मेरी 6-7 हज़ार रुपये की हर हफ्ते इससे अर्निंग हो जाती है, मतलब 22-23 हज़ार के समथिंग हर महीने यहाँ से हमारी अर्निंग निकल आती है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता ग्लो रोड क्या है, दोस्तों ग्लो रोड एक रीसेलिंग और अर्निंग एप्लीकेशन है। आप ग्लो रोड के प्रोडक्ट को सेल करा के और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और मार्जिन कमा सकती हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ग्लो रोड को। इसके अलावा और भी अच्छे अर्निंग एप्लीकेशन दिए हैं, उन्हें भी डाउनलोड कर सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरी अच्छी रीसेलिंग क्यों हो रही है, क्यों अच्छी अर्निंग हो रही है, उसके 3-4 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि लीगल फॉर्मेलिटी बना के रखी है मैंने। सारी चीज़ें ऐसे शो अप है, पूरा दिखावा ऐसा है हमारा कि हमारे पास पूरा बिजनेस है, हमारा पूरा सेटअप है और सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ये नहीं दिखाते हम किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस की तरह रीसेलिंग को ट्रीट करते हैं। दूसरा कि हमारे पास जो रिपीटेड कस्टमर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिन कस्टमर ने हमसे पहले माल खरीदा था वो दिवाली पर हमसे ही खरीद रहे हैं। तीसरा चीज़, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खुद के एप्लीकेशन और वेबसाइट चल रही हैं, जिसलिए उससे भरोसा भी होता है लोगों के अंदर कि हाँ इनका रियल में बिजनेस है और रियल में इनका सेटअप बना हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, और वर्चुअल ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, ऐसा नहीं कि ऑफिस भी नहीं हो, क्योंकि मेरा केवल रीसेलिंग का काम नहीं, मेरा यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह बहुत सारे काम है, तो वो भी है। लेकिन ये 3-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। तो आप लोग भी ट्रस्ट पैदा करिए कस्टमर में, रिपीटेड कस्टमर को लाइए, एक लीगल फॉर्मेलिटीज तैयार कीजिए जिससे लोगों को भरोसा हो सके कि आपका बिजनेस रियल में है। तो दोस्तों बस यही छोटी सी आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट कर सकते हैं, और आपकी कितनी अर्निंग होती है और आपकी क्या राय है रीसेलिंग के बारे में वो भी कमेंट करके बताइए। और जो लोग ये कहते हैं कि रीसेलिंग से अर्निंग नहीं होती या ग्लो रोड से अर्निंग नहीं होती, उन्हें इस वीडियो को शेयर करिए जिससे वो प्रूफ देख सकें और वो भी रीसेलिंग का काम स्टार्ट कर सकें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।